पीतमपुर क्षेत्र के विकास के लिए शासन द्वारा तैयार किए गए मास्टर प्लान को लागू करने से पहले आपत्तियों की सुनवाई के लिए समिति का गठन किया गया है। रेसिडेंसी कोठी में इस समिति के पहले सम्मेलन के दौरान अधिकारियों ने मास्टर प्लान संबंधी विवरण और इस पर आई आपत्तियों की जानकारी समिति सदस्यों को दी, जहां अब जल्द ही समिति इन आपत्तियों को पढ़कर इन पर निराकरण की पहल करेगी। पीतमपुर विकास योजना यानी कि मास्टर प्लान 2035 पर आपत्तियों के निराकरण को लेकर शासन द्वारा गठित की गई समिति का पहला सम्मेलन हुआ। रेसिडेंसी कोठी में रखे गए इस सुनवाई सम्मेलन में कलेक्टर मनीष सिंह, धार सांसद छतर सिंह दरबार, विधायक और पीतमपुर नगर परिषद अध्यक्ष शामिल हुए। समिति सम्मेलन बैठक के दौरान टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के संयुक्त संचालक एस के मुगदल ने बैठक में प्रेजेंटेशन दिखाया। मुगदल की माने तो मास्टर प्लान 2035 को लेकर अब तक 111 आपत्तियां आ चुकी है। इन आपत्तियों की समस्त जानकारियां और आपत्तियों की प्रकृति लिखित में समिति सदस्यों को दी गई है, जिन पर समिति की अगली बैठक में चर्चा और निर्णय होंगे। शासन के द्वारा पीतमपुर विकास योजना का प्रकाशन किया गया था। इसका प्रकाशन पहले अप्रैल माह में किया गया था, उसके बाद चूँकि कोरोना की वजह से फिर लॉकडाउन लग गए थे, शासन के द्वारा इसमें फिर पुनः लोगों को दावे आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए एक महीने का समय जुलाई में दोबारा दिया गया। ये जो समिति है, ये शासन के द्वारा गठित समिति है। जितने मास्टर प्लान के प्रकाशन के बाद आपत्तियां प्राप्त होती है, उसके ऊपर सुनवाई करने के लिए समिति है। आज समिति का प्रथम सम्मेलन था, जिसमें हमने समिति के सदस्यों को ये अवगत कराया है कि हमारे पास कितनी आपत्तियाँ प्राप्त हुई है और उनका नेचर क्या है। आज जितनी हमें आपत्तियाँ प्राप्त हुई थी वो लगभग 111 है संख्या में। उनमें ज़्यादातर का नेचर इस प्रकार का है कि जैसे वहाँ पे हमने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रस्तावित किया है, लोगों का उसमें कहना है कि आप 500 मीटर की गहराई तक जो हमने किया उसे 300 मीटर किया जाए। कुछ जगह पर फैक्चुअल मिस्टेक्स भी हो सकती है, जैसे कि रेलवे की जो मार्किंग की गई है और रेलवे ने बाद में अपनी अधिग्रहण से कुछ लोगों की ज़मीन को छोड़ दिया है लेकिन वो रेलवे में लग गई है। तो इस प्रकार से लोगों ने अपनी आपत्तियां दी है, जिनके दस्तावेज समिति अध्ययन कर उस पर अपना अनुशंसा शासन को भेजे। सम्मेलन में बतौर समिति अध्यक्ष शामिल हुए धार सांसद छतर सिंह दरबार ने बताया कि यह समिति शासन द्वारा अधिकृत समिति है। यह पहला मौका है कि प्लान सामने आने के बाद इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। मैं छतर सिंह दरबार, सांसद धार मऊ क्षेत्र मध्य प्रदेश। आज जो पीतमपुर का मास्टर प्लान तैयार हो रहा है 2035 तक का, उसका नोटिफिकेशन हुआ, दावे आपत्ति आमंत्रित की, वो जो आज समिति का जो प्रथम सम्मेलन हुआ, ये इस पर रूल्स है। ये ऐसी नहीं कि कोई ने चार आदमी बोला, नहीं नहीं, ये कानूनन है समिति। आज इस समिति में प्रेजेंटेशन दिया हमको कि कैसा क्या रहेगा और वो जितनी आपत्तियाँ आई है उनको एक चरणबद्ध करके फोल्डर बना के हम लोगों को दिया है। अब अगले सम्मेलन में आपत्तिकर्ताओं को भी हम लोग सुनेंगे और जो जो जायज होगा, रोड की चौड़ाई कितनी होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, ये सारी बिंदुओं पे खुल के चर्चा होगी। तो हम समिति, जो सांसद और एक समिति के सदस्य नाते हमारा यह विचार रहेगा, पीतमपुर के आसपास का जो एरिया इंदौर में लगता, धार में लगता, वहाँ रोड वगैरह का सारा अच्छा सा डेवलपमेंट हो और एरिया में कीमती ज़मीन है तो आवश्यकता अनुसार जितनी ज़मीन 250 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, जो भी 500 मीटर रख सका, पर 500 मीटर से हम कमी लेंगे ताकि किसानों की ज़मीन भी बचे और हमारे पीतमपुर और धार जिले के गांव और हमारे सब गांव का बढ़िया विकास भी हो जाए। तो ये अगली सम्मेलन में होगा, ये प्रथम सम्मेलन था। तो हमारी दोनों को ध्यान रहेगा, क्षेत्र के निवासियों का, किसानों का और शासन की मनसा का और सुविधा का भी। उस नाम मेरा नाम छतर सिंह दरबार, सांसद धार मऊ लोकसभा क्षेत्र। समिति के सदस्यों का दावा है कि पीतमपुर विकास के मास्टर प्लान को लेकर सरकार की भी मंशा एक तरफा निर्णय लेने की नहीं है और यही वजह है कि समिति का गठन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।